प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको के बीच लंबे समय से चल रहे शीत युद्ध के बाद अब आला कमान के दरबार में भी होंगे। दोनों ही ओर से आरोपों के बाण तैयार कर लिए गए हैं, जो लोकसभा चुनाव में हार के कारण की चर्चा के क्रम में छोड़े जाएंगे। इन बाणों से कौन कितना घायल होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन प्रदेश इकाई में बदलाव का खाका तैयार होता जरूर दिख रहा है। गौरतलब है कि पार्टी आला कमान राहुल गांधी ने 28 जून को सुबह 10:30 बजे अपने आवास पर दिल्ली के प्रमुख नेताओं की एक बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको उपस्थित रहेंगे। बैठक में लोकसभा की हार के कारणों और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शीला समर्थक नेताओं ने हार के कारणों की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जबकि चाको समर्थक नेताओं ने बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर ली गई फीडबैक की रिपोर्ट बनाई है। दोनों ही गुटों के तर्क न सिर्फ एक दूसरे की काट करते हैं, बल्कि उन्हें कटघरे में भी खड़ा करते हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि यह बैठक कहीं न कहीं प्रदेश कांग्रेस में बदलाव का खाका तैयार करने का आधार भी बनेगी। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।